दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे परमाणु बम के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के इस दौर में लगभग हर कंट्री के पास परमाणु बम मौजूद है। इसी तरह से इंडिया के पास भी परमाणु बम मौजूद है, लेकिन उसे चलाने की अनुमति कौन दे सकता है, इसके बारे में लगभग इंडिया के अंदर 1% लोग ही जानते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते कि इंडिया के अंदर परमाणु बम की अनुमति कौन दे सकता है। ये सब हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था और इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं परमाणु बम के आविष्कार की। तो पिक्चर के अंदर आप जो वैज्ञानिक देख रहे हैं, इन्होंने ही किया था परमाणु बम का आविष्कार। हाँ दोस्तों, अमेरिकी मुल्क के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपरहाइमर ने ही किया था परमाणु बम का आविष्कार। अमेरिका वह पहला देश है दोस्तों जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया और सबसे पहले ही परमाणु बम का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं कि इसने परमाणु बम का इस्तेमाल किस देश से किया था। दोस्तों अमेरिका ने विश्व में सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में अपना पहला परमाणु बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हिरोशिमा परमाणु बम गिराने से पहले किस तरह से शानदार दिखाई दे रहा है, लेकिन परमाणु बम गिराने के बाद यहां पर रेगिस्तान बन गया। दोस्तों ये है वो शहर जहां पर अमेरिका ने अपना दूसरा बम गिराया था, नागासाकी। कितना शानदार दिखाई दे रहा है, लेकिन परमाणु बम गिराने के बाद इसका नज़ारा कुछ अलग ही था। दोस्तों परमाणु बम गिराने के बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर पूरी तरह से विनाश हो चुका है और यहां पर ये जो धरती है ये पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। दोस्तों ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये वो बम है जो हिरोशिमा पर गिराया गया था और इसका नाम है लिटिल बॉय। दोस्तों दूसरा जो बम अमेरिका ने गिराया था नागासाकी पे, उसका नाम था फैट मैन, जो कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। दोस्तों इस तस्वीर के अंदर आपको दोनों ही परमाणु बम दिखाई दे रहे हैं जो अमेरिका ने जापान के अंदर गिराए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिल बॉय की। लिटिल बॉय जो है वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसके अंदर यूरेनियम 235 का यूज़ किया गया था और इसकी वेट की अगर हम बात करें तो था 4400 किलोग्राम। अगर दोस्तों हम इसकी पावर की बात करते हैं तो वो थी 15000 टन्स ऑफ TNT। दूसरा जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था उसका नाम था फैट मैन, जो गिराया था नागासाकी पे। इसके अंदर प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इसके वेट की बात करें तो वो थी 4535 किलोग्राम, 4535 किलोग्राम इसका वेट था। और इसकी पावर की अगर हम बात करें तो थी 21000 टन्स ऑफ TNT। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत की कि भारत ने अपना पहला सफल परमाणु बम कब बनाया था। तो साल 1998 में 11 मई को भारत ने पोखरण में परमाणु बम धमाका कर दुनिया को बता दिया कि उसे हल्के में लेने की भूल नहीं की जा सकती। इस समय भारत ने सफलतापूर्वक 3 परमाणु विस्फोट किए, जिनमें से एक 11 मई को और 2-13 मई को किए गए थे। अगर दोस्तों हम तीनों बम की ताकत की बात करें तो वो इस प्रकार से है। फर्स्ट जो था 1.5 किलोटन एटम बम, सेकंड जो था वो था दोस्तों 4.5 किलोटन हाइड्रोजन बम, इसके बाद 0.2 किलोटन सब किलोटन डिवाइस। इस तरह से भारत दुनिया की 6ठी परमाणु ताकत बन गया था। भारत में इन 3 लोगों के पास होता है परमाणु हमला करने का कोड। पढ़ते हैं पूरी जानकारी।
दोस्तों, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि दुनिया में बहुत से देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। कहते हैं उत्तर कोरिया और इजराइल जैसे देश किसी भी प्रकार का हमला करने से पहले ज़्यादा विचार नहीं करते। युद्ध जैसे हालातों में अगर परिस्थिति बुरी हो जाए तो परमाणु हथियार भी होता है, जिसका इस्तेमाल केवल विषम परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने के कुछ नियम हैं। इनका इस्तेमाल करने के गंभीर परिणाम होते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के इस दौर में लगभग हर देश के पास परमाणु बम मौजूद है। ठीक उसी तरह भारत के पास भी कई परमाणु हथियार और मिसाइलें हैं जो दुश्मन देश का सफाया करके रख सकती हैं। सवाल ये है कि इतने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कौन कर सकता है और इससे जुड़े क्या नियम हैं? परमाणु मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई परमाणु बटन नहीं होता जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को छोड़ा नहीं जा सकता। पीएम खुद भी ये निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि इससे पहले उन्हें कैबिनेट या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एंड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से परामर्श करना होगा। यानी इन तीन लोगों के पास परमाणु हथियार चलाने का आदेश देने की पावर होती है। प्रधानमंत्री चाहे तो तब भी हमले को रोक सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, आप सबको पता लग गया होगा कि भारत के अंदर वह कौन तीन लोग हैं जो परमाणु हथियार चलाने का आदेश दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।